तो वहीं राजस्थान के बारा से बागेश्वर धाम सरकार ने एक बार फिर सनातन विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। जान से मारने की धमकी देने वाले अनस अंसारी को मंच से खुली चुनौती दे दी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने अंदाज में बरेली आने की चुनौती दी। साथ ही बागेश्वर सरकार ने कहा कि मरते दम तक सनातन और हिंदू राष्ट्र की जयकार नहीं छोड़ेंगे। कोई बरेली में है अंसारी, उन्होंने कहा बागेश्वर धाम बाबा को जान से मार देंगे जैसे उनके बाप की खेती ना हो। देखो तो भाई हद हो गई यार। यूपी में एक जिला है बरेली, बरेली में कोई अनस अंसारी है, क्या नाम है, हमें तो न्यूज वालों ने बताया, बोले गुरुजी ये कह रहा है जान से मार देंगे ठटरी के बरे, हम बरेली आएंगे बरेली और तुम्हारी ठटरी मारेंगे वहीं से। और अगर तुम्हारे हाथों लिखी भी होगी मौत तो हमें सहज स्वीकार है, क्योंकि जिंदा रखना और मारना तो परमात्मा का काम है, हम तो सनातन के सेवक हैं, हम मरते मर जाएंगे लेकिन सनातन की बात और हिंदू राष्ट्र की बात नहीं छोड़ेंगे। और तीसरी बात, जब मरेंगे तब तक घर घर धीरेन्द्र कृष्ण क्रांति लेकर निकल पड़ेगा। हम देखते हैं तुम कितने धीरेन्द्र कृष्ण को मिटाओगे, तुम कितनी ताकत लगाओगे। और सनातनीय हिंदुओं, हम अपने लिए प्राणों की बाजी नहीं लगाए हैं, हम चाहते हैं तुम्हारी बहन बेटियों पर कोई उंगली ना उठाए, तुम्हारी राम की यात्रा पर कोई पत्थर ना फेंके और तुम्हारे राम के मंदिर पर कोई रोक ना लगाए। हम सिर्फ इसलिए ललकारते हैं धर्म विरोधियों को, इसलिए हमारी प्रार्थना है प्रत्येक सनातनी से, अब जागे। बोलने वाले तो बोलते ही रहते हैं, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।